सबको उल्टी पटरी में चढ़ा दिया गया है। इमरान खान साहब जो मार्च पुरअमन करने जा रहे हैं, मुझे इस मार्च के अंदर खून ही खून, मौत ही मौत और जनाजे ही जनाजे नजर आ रहे हैं और वो जनाजे दिए जाएंगे। और मैं अपने मासूम पाकिस्तानियों को चंद लोगों की साजिश के तहत नहीं मरने दूंगा। अपनी आखिरी वक्त तक कोशिश करूंगा कि ये लाशों का और खून का खेल इस मुल्क में बंद हो। पूरी स्क्रिप्टेड प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी उसका नाम हमने रखा है लेजेंड्स ऑफ फैसल वाडा। बॉक्स ऑफिस में अपने पहले शो के अंदर ही फेल हो गई। ये साबित हो गया कि फैसल वाडा जो है किसी ना किसी की इमा के ऊपर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। जरा बराबर शर्म नहीं आपको फैसल वाडा? ये जितनी इज्जत आपको मिली इमरान खान की वजह से मिली, आपको पहचानता कौन था? फैसल वाडा अगर आप समझते हैं कि आपके कहने के ऊपर लोग डर जाएंगे, ये आपकी गलतफहमी है। आपकी तो काम पे टांग गई है राणा सनाउल्लाह के डराने से। बिल्कुल ही गलत बात है। लॉन्ग मार्च जो है हमारा वो बड़ा एहतजाज पुरमन एहतजाज है, उसमें किसी किस्म की कोई वर्डनेंस नहीं है। हम कोई JUI या अपना ये गुल्लू पाट तो हमारे है नहीं। इमरान खान ने फैसल वाडा को पार्टी से निकाल दिया। वाज़ह रहे कि फैसल वाडा की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पार्टी रहनुमाओं ने फैसल वाडा को शदीद तनकीद का निशाना बनाया था, जिसके बाद PTI सिंध के सदर अली जदी ने फैसल वाडा को शोकॉज नोटिस भी जारी किया था, जिसमें फैसल वाडा की पार्टी की बुनियादी रुकनियत भी मुअत्तल कर दी गई थी। PTI में अंदरूनी महाज़ाराई कोई नई बात नहीं। PTI में पार्टी पॉलिसी के खिलाफ होने के इल्जामात के तहत मुतादिद सफ़े अव्वल के पार्टी रहनुमाओं को पार्टी से निकाला जा चुका है। PTI के चेयरमैन इमरान खान पार्टी से किसी को भी फारिग करने में इंतहाई बेरहमाना फैसले करते हैं और अब चेयरमैन इमरान खान ने अपने पुराने साथी फैसल वाडा को पार्टी से निकाल दिया है। PTI के ट्विटर अकाउंट पर इमरान खान के दस्तखत से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि फैसल वाडा पार्टी की जानिब से जारी शोकॉज नोटिस का जवाब नहीं दिया, जिस पर उनकी बुनियादी रुकनियत खत्म की जाती है। PTI के मुताबिक फैसल वाडा को पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर 26 अक्टूबर को शोकॉज नोटिस जारी किया गया था। दूसरी जानिब PTI के कई मारूफ और इमरान खान के करीबी साथियों ने भी असगुर पार्टी को छोड़ा भी है। इमरान खान एक तरफ लॉन्ग मार्च का आगाज कर चुके हैं तो दूसरी तरफ पार्टी अंदरूनी खल्फिशार का भी शिकार है।